हाई एवरी वन, दिस इज सोनिया। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो रिव्यू। तो आज का रिव्यू है मिंत्रा कुर्ता सेट होल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिंत्रा कुर्ता सेट होल। तो मिंत्रा से मैंने कुछ कुर्ता सेट परचेज किए थे, आज इसी का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो मैंने परचेज किया था वो है ये पर्पल कलर का कुर्ता सेट। ये ब्रांड है सांगरिया। इसमें ये कुर्ता, ये इसका दुपट्टा और ये है इसका प्लाजो। ये सांगरिया ब्रांड का कुर्ता सेट है, स्मॉल साइज में मैंने परचेज किया है और ये सिल्क फैब्रिक में आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा कुर्ता सेट है। ये वी नेक में है और इसमें ये थ्रेड वर्क किया गया है काफ़ी सुंदर सा, ये देख सकते हैं आप। और ये इसके स्लीव्स हैं, फुल स्लीव्स में है ये। और ये स्लीव्स पे गोटा पट्टी वाली लेस लगाई हुई है, देख सकते हैं आप। काफ़ी सुंदर सा कुर्ता सेट है ये। और ये थोड़ा अनारकली टाइप में है, साइड में देख सकते हैं, मैंने वीडियो लगाई हुई है साइड में, आप उसमें देख सकते हैं इसका लुक। और इसके साथ में ये प्लाजो, ये है इसका प्लाजो, ये देखिए काफ़ी चौड़ा प्लाजो है इसका, ये देखिए थोड़ी चौड़ाई वाला प्लाजो है ये। और प्लाजो के नीचे भी ये देखिए लेस लगाई हुई है, काफ़ी अच्छा प्लाजो है इसका, थोड़ा फ्लेयर में है। और ये प्लाजो के नीचे ये लाइनिंग भी लगाई हुई है, देखिए सॉफ्ट फैब्रिक की ये लाइनिंग लगाई हुई है इसमें। और इसमें बैक साइड में ये इलास्टिक लगाई हुई है और फ्रंट में ये बेल्ट लगी हुई है, इसमें ये नाड़ा भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो अच्छा प्लाजो है इसका काफ़ी। तो इसके साथ में इसका ये दुपट्टा, काफ़ी सुंदर सा दुपट्टा है इसका, आप देख सकते हैं पूरे दुपट्टे पे ये वर्क किया गया है, आप देख सकते हैं थ्रेड से और सीपी से, काफ़ी सुंदर दुपट्टा है इसका, आप देख सकते हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है ये दुपट्टा, लेंथ वाइज ये थोड़ा छोटा है दुपट्टा, वैसे काफ़ी अच्छा है दुपट्टा। वैसे हम इसको नेक में ऐसे कैरी करेंगे तो थोड़ा छोटा लगेगा, लेकिन हम शोल्डर पर कैरी कर सकते हैं आप इसको, शोल्डर पर कैरी करने के बाद इसकी लेंथ भी काफ़ी सही लगेगी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका दुपट्टा भी, ऑर्गेन्जा में है। तो काफ़ी सुंदर कुर्ता सेट है ये और ये मैंने परचेज़ किया था 1350 में। ये मिंत्रा पे दिवाली के टाइम पे वैसे मैंने ये परचेज़ किया था। इसका रिव्यू मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला था इस वजह से, और थोड़ी सर्दियाँ भी थी तो सर्दियों में इतने पहने भी नहीं गए थे। और इसमें 2-3 कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे और शायद प्राइस और भी कम हो गए होंगे अभी। तो आप परचेज़, अगर आपको परचेज़ करना है तो आप मिंत्रा से परचेज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने लिया था ये रेड कलर का कुर्ता सेट, काफ़ी सुंदर सा ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट है ये भी, आप देख सकते हैं। तो ये है इसके, तो ये इसका कुर्ता, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कॉटन फैब्रिक में है, काफ़ी अच्छा कुर्ता सेट है ये भी। और ये है इसका फ्रंट, ये फ्रंट से इस तरीके का है, आप देख सकते हैं ये गोटा पट्टी से वर्क किया गया है, ये भी वी नेक में है, आप देख सकते हैं। और ये है इसकी स्लीव्स, ये भी थोड़ा लॉन्ग स्लीव्स में है, लॉन्ग से थोड़ी कम स्लीव्स है। और ये ब्रांड है इनवेव, मैंने स्मॉल साइज में परचेज किया है ये, काफ़ी सुंदर सा कुर्ता सेट है ये भी, आप देख सकते हैं। ये कॉटन फैब्रिक में है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, सॉफ्ट फैब्रिक है बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये कुर्ता सेट, ये भी थोड़ा अनारकली टाइप में आप साइड में देख सकते हैं। और फ्रंट में कुछ इस तरीके से चुन्नटे भी डली हुई है इसमें, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है इससे भी। और साइड में इसमें चाक भी दिए हुए हैं, कट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ में इसका ये प्लाजो, काफ़ी सिंपल सा प्लाजो है इसका, ये पैंट टाइप प्लाजो है ये थोड़ा। और ये पूरे में इलास्टिक डली हुई है इसमें, काफ़ी कंफर्टेबल है इसका प्लाजो पहनने में। तो काफ़ी अच्छा कुर्ता सेट है ये भी। तो थोड़ा बेज कलर भी है इसमें, आपने देख ही लिया होगा, ये पूरा रेड नहीं है, काफ़ी सुंदर है ये कुर्ता सेट भी। ये गोटा पट्टी वर्क तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये मैंने परचेज़ किया था 899 में, ये भी मैंने दिवाली के आसपास ही परचेज़ किया था। तो काफ़ी सुंदर कुर्ता सेट है ये भी, इसमें भी आपको 1-2 कलर ऑप्शन शायद मिल ही जाएंगे, आप चेक कर लेना मिंत्रा पे। तो इसके बाद मैंने परचेज़ किया था एक कोट सेट, काफ़ी सुंदर सा ब्यूटीफुल सा कोट सेट है ये भी, ये भी मैंने दिवाली के आसपास ही परचेज़ किया था। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसा है। और ये फ्रंट से कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं, ये फ्रंट में ये सेंटर में इसमें ये बटन लगे हुए हैं, कपड़े वाले ही बटन लगे हुए हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और ये सीपी और छोटे छोटे मोतियों से वर्क किया गया है ये फ्रंट में, आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा हाई नेक और कॉलर टाइप में है, आप देख सकते हैं। और ये है इसकी स्लीव्स, और ये ब्रांड है एंथिया, और ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में मैंने परचेज किया है। काफ़ी फ्लेयरी सा कोट सेट है ये, आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सा ये कोट सेट है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये कोट सेट, तो काफ़ी सुंदर सा कोट सेट है ये, पर्पल और मस्टर्ड कलर में है। और इसके नीचे ये लाइनिंग भी दी हुई है, ये थोड़ा सा इसका फैब्रिक थोड़ा सा पतला है, तो इसके नीचे ये लाइनिंग भी दी हुई है, आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक में ये लाइनिंग, ये देखिए, तो बिल्कुल भी चुभने वाला फैब्रिक नहीं है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका, आप साइड में देख सकते हैं वीडियो क्लिप में, काफ़ी सुंदर लगता है ये पहनने के बाद। ये इसका प्लाजो, काफ़ी अच्छा प्लाजो है इसका, आप देख सकते हैं।
प्लाजो के नीचे भी ये देखिए अस्तर लगा हुआ है, सॉफ्ट फैब्रिक में है ये भी, काफ़ी सही प्लाजो है इसका। और फ्रंट में ये बेल्ट लगी हुई है और बैक में ये इलास्टिक लगी हुई है इसमें, और दोनों साइड में ये पॉकेट भी हुई है इसमें, और काफ़ी कंफर्टेबल भी है ये प्लाजो पहनने में। तो काफ़ी अच्छा कोट सेट है, पार्टी वेयर कोट सेट है, नॉर्मल शादी फंक्शन में भी आप इसको पहन सकते हैं। मैंने एक दो बार इसको पहन भी लिया है पार्टी में, तो काफ़ी अच्छा कोट सेट है ये। मैंने परचेज़ किया था 1500 में, तो अब शायद इसका प्राइस ज़्यादा हो गया होगा, मैंने ये दिवाली के आसपास ही परचेज़ किया था। और इसमें भी आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, मैंने पिंक और ब्लैक भी देखा था मिंत्रा पे, कोट सेट ऐसा ही थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने परचेज़ किया था ये वेलवेट कुर्ता, काफ़ी सुंदर कुर्ता सेट है ये भी, आप देख सकते हैं टील ग्रीन कलर में ये कुर्ता, स्ट्रेट कुर्ता है ये पूरा, वेलवेट में ही आप देख सकते हैं। फ्रंट में ये देखिए कुछ इस तरीके से वर्क किया गया है, थ्रेड से पिंक और गोल्डन थ्रेड से वर्क किया गया है। ये सेंटर में बटन लगे हुए हैं इस पे, और ये इसकी स्लीव्स 3/4 स्लीव्स में है ये, ये स्लीव्स में गोटा पट्टी टाइप लेस लगाई हुई है। और इसकी स्लीव्स में भी ये देखिए थ्रेड वर्क किया गया है, काफ़ी सुंदर वर्क किया गया है आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर कुर्ता है ये। और ये बैक से बिल्कुल प्लेन है, ये देख सकते हैं आप, फैब्रिक इसका काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है, ब्रांड है ससरफ्राज, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में ये मैंने परचेज किया है। तो आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 600 में पड़ा था, क्योंकि मैंने दिवाली के आसपास ही परचेज किया था, ये भी दिवाली के आसपास ही मैंने 2-3 कुर्ते परचेज किए थे, तो मुझे अच्छा डिस्काउंट मिल गया था, तो ये मुझे 600 में पड़ा था। और इसके बाद मैंने परचेज किया ये वाला कुर्ता सेट, ये ब्लैक एंड ऑफ वाइट कलर में है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है इसका कुर्ता, ये इसका दुपट्टा, और ये है इसकी सलवार, ये अफगानी टाइप सलवार है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले मैं आपको इसका कुर्ता दिखा देती हूँ कैसा है। ये कुछ इस तरीके का कुर्ता सेट आप देख सकते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट में है, ये छोटे छोटे प्रिंटेड वर्क किया गया है इस पर, ये फ्रंट से कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं, राउंड नेक में है ये। ये मैंने रिसेंटली परचेज किया है, मैंने कोई दिवाली के आसपास परचेज नहीं किया है, समर स्टार्ट हो गए हैं तो मैंने ये रिसेंटली परचेज किया है, आप देख सकते हैं इसका टैग भी नहीं उतारा है मैंने। और ये है इसकी स्लीव्स, 3/4 स्लीव्स में है ये, थोड़ी अम्ब्रेला कट टाइप स्लीव्स है इसकी, आप देख सकते हैं, और ये इसमें और स्लीव्स पे भी ये गोटा पट्टी लेस लगाई हुई है, आप देख सकते हैं सिल्वर कलर की, सिल्वर कलर की गोटा पट्टी लेस लगी हुई है इस पर, आप देख सकते हैं। तो लिबास ब्रांड का कुर्ता सेट है ये, और साइज मैंने परचेज किया है स्मॉल, काफ़ी अच्छा कुर्ता सेट है ये भी, लिबास ब्रांड का है, लिबास ब्रांड के सारे कुर्ते सेट काफ़ी अच्छे आते हैं और डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छे होते हैं। पूरा कुर्ता सेट है कॉटन फैब्रिक में, काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। और ये है इसकी सलवार, अफगानी टाइप सलवार है इसकी, मैं आपको दिखा दूंगी अभी, ये इसमें इलास्टिक डली हुई है आप देख सकते हैं पूरे में, तो पोलका टाइप प्रिंटिंग हो रखी है इसकी सलवार पे, लाइट वेट है काफ़ी, काफ़ी अच्छी सलवार है इसकी, और अफगानी टाइप सलवार है इसकी, काफ़ी अच्छी लुक आती है ऐसी सलवार पहनने पे। इसके साथ है इसका ये दुपट्टा, काफ़ी अच्छा दुपट्टा है, काफ़ी लाइट वेट है ये दुपट्टा, इसको ओपन करके देख लेते हैं इसकी लेंथ कैसी है, मैं इसकी लेंथ आपको दिखा देती हूँ, लेंथ वाइज भी मुझे सही लग रहा है, वैसे तो लेंथ वाइज भी मुझे लग रहा है सही है ये दुपट्टा, दुपट्टे की चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है और लेंथ वाइज भी काफ़ी अच्छा है दुपट्टा, ये देख सकते हैं आप, तो लाइट वेट में है, दुपट्टे के चारों तरफ भी गोटा पट्टी टाइप लेस लगाई हुई है आप देख सकते हैं, सिल्वर कलर में है ये भी, तो काफ़ी अच्छा दुपट्टा है, इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इसका दुपट्टा भी, लेंथ वाइज काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको गले में भी डाल सकते हैं और इसको शोल्डर पे भी आप ले सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा कुर्ता सेट है ये, ऑफिस वेयर कुर्ता सेट है ये, आप रेगुलर बेसिस पे भी इसको पहन सकते हैं, ऑफिस में भी पहन सकते हैं। तो मैंने ये परचेज किया है 999 में, 999 रुपये में, क्योंकि अभी जब क्योंकि अभी मिंत्रा पे जो मिंत्रा की बर्थडे सेल चली थी ना, मैंने उस पर ये परचेज किया था, तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर ये मुझे मिल गया था, तो काफ़ी अच्छा कुर्ता सेट है ये भी। और अगर आपको भी परचेज करने हैं अच्छे अच्छे कुर्ते सेट, तो मिंत्रा पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कुर्ता सेट मिल जाएंगे, काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएंगे, प्राइस कभी कम कभी ज़्यादा होते ही रहते हैं मिंत्रा पे, वो हर साइट पे होते ही रहते हैं, ऑनलाइन साइट पे ऐसे ही होता है, तो अगर आपको भी परचेज करना है तो आप मिंत्रा से परचेज कर सकते हैं, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप चेक कर लेना। तो आज का रिव्यू बस इतना ही था, अगर आपको मेरी मिंत्रा कुर्ता सेट होल वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू सो मच, बाय बाय।